पॉइंट पे बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन रोक दिया तो कुछ 24 घंटे के अंदर जो है बैक्टीरिया मर जाएगा। तो आपने क्या क्या करा, मैं आपको यहां लिख देता हूं जो आपको याद रहेगा। सेल वॉल को तोड़ दिया, प्रोटीन को नहीं बनने दिया, रेप्लिकेशन मतलब डिवीजन इसको आपने नहीं बटने दिया, ठीक है, प्रोटीन को नहीं बनने दिया। अब अगली चीज क्या है कि डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कई बार ऐसा होता है डीएनए कुछ एंजाइम्स बनाता है, एंजाइम्स भी बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि आपके पेट के अंदर बनते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके लंग्स के अंदर बनते हैं, तो हर जगह जो है एंजाइम्स होते हैं। ऐसी जो है बैक्टीरिया के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम आप भूल जाइए, आप याद रखिए प्रोटीन सिर्फ, क्योंकि एंजाइम और प्रोटीन सेम ही होते हैं। तो आपने प्रोटीन को नहीं बनने देना है या फिर एंजाइम को नहीं बनने देना है। तो अलग अलग मैकेनिज्म है किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए, और इसी मैकेनिज्म के ऊपर बनती याद आते जाएंगे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, फ्लॉक्सासिन्स जितनी भी होती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, मीरोपेनम, इमिपेनम, सारी की सारी जितनी दवाएं वो अलग अलग क्लास इनके अकॉर्डिंग करी गई हैं। जो दवा सेल वॉल को मारेगी जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, ये सारी सेल वॉल को मारती हैं। जो दवा प्रोटीन को नहीं बनने देगी जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, कैनामाइसिन, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ये प्रोटीन को नहीं बनने देंगी। जो रेप्लिकेशन नहीं करने देंगी, जो उसको डिवाइड नहीं करने देंगी, बेसिकली ये वाली दवा भी एक तरह से डिवाइड नहीं करने देंगी। जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनते तो बैक्टीरिया डिवाइड भी नहीं करेगा, ठीक है। और जो दवा आती है इसके अंदर वो होती है सल्फा वाले जो ड्रग्स होते हैं, जैसे सल्फा सेलाजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा पायरीमेथामिन वगैरह जो ड्रग्स होते हैं, मीथोट्रेक्सेट होती है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसके रेप्लिकेशन को रोकते हैं। जब बैक्टीरिया अपने डीएनए से दूसरा डीएनए नहीं बना पाएगा तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को दो पार्ट में पहले डिवाइड करता है, तो इस डिवीजन को रोका जाता है इस प्रोसेस के अंदर। दवा यूज होती है आपकी पायरीमेथामिन वगैरह, मीथोट्रेक्सेट वगैरह, जो इसको रोकती है, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है थोड़ी बहुत सारी दवा पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। जो दवा सेल वॉल को इनहिबिट करती है, सेल वॉल को तोड़ती है, इनहिबिट मतलब होता है इसको रोकती है, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती है। जो दवा बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देगी, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा एक चीज और रहेगी बतानी, जो एंटी माइक्रोबियल होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, वो दो टाइप से काम कर सकती हैं। या तो जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसको पूरी तरह मार दे, या फिर उस बैक्टीरिया को डिवाइड ना करने दे। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, लेकिन आपको दोबारा सुनना है इसको। या तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी है उसको मार दे, या फिर उस बैक्टीरिया को डिवाइड ना करने दे। तो दो टाइप की दवा होती हैं, पूरी एंटीबायोटिक्स को दो टाइप में बांटा गया है। जो बैक्टीरिया को मार दें उनको बोला जाता है साइडल, साइड सुसाइड, सुना होगा आपने, सुसाइड का मतलब होता है खुद को मार लेना, साइडल वही सा है, साइडल साइड, जो किल कर दे मतलब उस बैक्टीरिया को मार दे, तो क्या होगा, आदमी की जान बच जाएगी, जानवर की जान बच जाएगी। दूसरी होती है स्टैटिक। स्टैटिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब भी क्या होता है, रुकावट आना, रुक जाना, किसी चीज को रोक देना। पानी अगर चल रहा है उसको आपने स्टैटिक रोक कर दिया तो पानी रुक जाएगा। ऐसे ही अगर बैक्टीरिया की डिवीजन को रोक दिया गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया स्टैटिक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, आगे वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मेरा मतलब बस बताना इतना था कि दो टाइप के ड्रग्स हैं, साइडल और स्टैटिक। जो बैक्टीरिया को मार देंगे वो होंगे साइडल, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे वो होंगे स्टैटिक। अब इसका एनिमल्स का तो मेरे को पता नहीं क्या इंप्लीकेशन है, लेकिन ह्यूमंस में आपको समझा देता हूँ इसका क्या फायदा होता है इस चीज को जानने का। अब मान लीजिए किसी इंसान को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया। टीबी के अंदर क्या होता है, आदमी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, आदमी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अब आपने उस आदमी को ये वाले ड्रग्स दे दिए स्टैटिक, उसके अंदर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को आप मार नहीं रहे, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन जो बचा कुचा बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी के अंदर तहस नहस करता रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। उस मरीज को जो है आपको साइडल ड्रग ही देने पड़ेंगे। साइडल ड्रग क्या करेंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको जो है निकाल देंगे, क्योंकि ये काम आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी नॉर्मली अगर किसी इंसान को टीबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, या किसी एनिमल को कोई बीमारी नहीं है, तो बॉडी जो है खुद अपना मैकेनिज्म से सब कुछ हटा देती है। दिक्कत तब आती है जब बॉडी अपना काम करना छोड़ देती है। तो यहां पर जो है अपना साइडल होगा, यहां पर स्टैटिक, इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन, सबसे पहले बताएंगे पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन वही दवाएं जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती हैं, मतलब सेल वॉल को नहीं बनने देती हैं। मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इससे पहले जो थे इंसान मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, पता नहीं चलता था उनको ट्रीट कैसे करना है। तो पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। उसका डिस्कवरी हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। लैब के अंदर एक साइंटिस्ट बैठा था, उसने देखा कि एक प्लेट रखी थी, प्लेट प्लेट के ऊपर क्या हो रहा था, एक फंगस मैंने बताया था आपको, फंगस आ गई थी। आप ब्रेड छोड़ देते हैं, फंगस आ जाती है। तो ऐसी वो बंदा अपनी लैब के अंदर बैठा था, तो फंगस आ गई थी। अब उसने देखा कि पूरे लैब के अंदर उस प्लेट के चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही थी, लेकिन उस फंगस के ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा था। उसने कहा कि इस फंगस के ऊपर बैक्टीरिया क्यों नहीं आ रहा। उसने उस फंगस को जो है, एक सिपाही था उसको चोट लग रही थी, उसके ऊपर लगा दिया था। उसने देखा कि वो चोट ठीक हो गई। उसने देखा कि वो जो फंगस था वो कुछ केमिकल निकाल रहा था जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, मतलब एंटीबायोटिक्स। वहां से एंटीबायोटिक्स निकल कर आई थी, फंगस से निकल कर आई थी आपकी पहली एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो स्टार्टिंग में दी जाती थी बहुत ज्यादा नुकसान करती थी बॉडी में। उन नुकसान को धीरे धीरे क्या किया डॉक्टर्स ने, ओवरकम किया कि इनको हम कखम करते जाएंगे। और धीरे धीरे मार्केट में नई दवा आने लगी, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, पाइपेरासिलिन, टेजोबैक्टम के साथ दी जाती हैं, क्लेविलेनिक एसिड, आप देखते हो क्लेविलेनेट सॉल्ट होता है, क्लेविलेनेट सॉल्ट होता है। तो ये सारा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या था, सबसे पहले मुंह से नहीं दे सकते थे आप किसी भी एनिमल को, किसी भी ह्यूमन एनिमल्स में तो कमी देते हैं, ह्यूमंस में भी आप किसी पेनिसिलिन को मुंह से नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो पेट में जाके टूट जाती थी। पेट के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, अगर पेट में जाएगी दवा तो क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो उसको नहीं दे सकते थे, इसलिए फिर मार्केट में आ गई एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन के फायदे क्या होते हैं, एमोक्सिसिलिन जो होती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है बहुत ज्यादा होता है, आपको बहुत ज्यादा इसको देना नहीं पड़ेगा बार बार। हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, हाफ लाइफ का मतलब होता है एक दवा कितनी देर में टूट जाती है। लाइक अगर मैंने 50 mg दवा दी, वो 25 mg कितनी देर में होती है, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ उस दवा की। तो एमोक्सिसिलिन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब अगर मैंने 100 mg किसी को चढ़ाई है एमोक्सिसिलिन, तो 50 होने में जो है 6-7 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जो पेनिसिलिन थी जो स्टार्टिंग में थी, उनको 2 घंटे ही लग रहे थे आधा होने में, फिर से डॉक्टर को देनी पड़ती थी, फिर से देनी पड़ती थी। तो एमोक्सिसिलिन का फायदा ये हो गया कि ज्यादा नहीं देनी पड़ती है, एमोक्सिसिलिन हो गई। इसी के अंदर पेनिसिलिन फिर बना दी आपकी एम्पीसिलिन। एम्पी सारी की सारी दवा का काम बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं जिससे आपको पता हो कि कौन सी चीज पेनिसिलिन के अंदर आती है। एमोक्सिसिलिन हो गई, एम्पीसिलिन हो गई, पाइपेरासिलिन हो गई, पिकारसिलिन हो गई। सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज की जाती है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ये पता होगा, इन सब के नाम आपने शायद कभी ना सुने हो, पिकारसिलिन, पाइपेरासिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ज्यादा दिया जाता है क्लोक्सासिलिन को, डाइक्लोक्सासिलिन इसको भी दिया जाता है। तो ये सारी की सारी दवा जितनी भी है आपकी, ये है आपकी सेल वॉल को इनहिबिट करती है। अब एक सवाल आप सबको सोचना चाहिए कि हम अलग अलग दवा पढ़ रहे हैं, हम एक दवा को यूज करके सारे बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार सकते, मतलब क्या फायदा अलग अलग पढ़ने का। तो फायदा ये है कि बैक्टीरिया जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है पेनिसिलिन से मरते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आगे पढ़ाऊंगा वो सेफेलोस्पोरिन से मरते हैं। तो जो बैक्टीरिया इससे मरते हैं उनको ये दवा दी जाएगी, जो बैक्टीरिया उनसे मरते हैं उनको वो दवा दी जाएगी। इसलिए पर्पस है हमारा अलग अलग दवा पढ़ लेना अलग अलग बैक्टीरिया के लिए। तो ये वाली जितनी भी पेनिसिलिन होती है ये दी जाती है आपकी एंथ्रेक्स में, टेटनस में, वेरी इंपॉर्टेंट, टेटनस के अंदर अगर कोई पेशेंट एनिमल कोई बफेलो कोई काऊ का टेटनस का है तो उसके अंदर आप जो है पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, पेनिसिलिन दी जाती है एंथ्रेक्स के अंदर दी जाती है। और एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो है इसको सिफिलिस के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेरे को दो ही चीज बताई थी बताने के लिए, एंथ्रेक्स और टेटनस। पेनिसिलिन वगैरह को इसके अंदर दिया जाएगा क्योंकि इनका जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जहां से पी से याद कर सकते हैं, जितनी भी पेनिसिलिन होती है वो ग्राम पॉजिटिव को मार सकती है। अब मैं बात करूंगा सिफेलोस्पोरिन की, सिफेलोस्पोरिन। अभी हम सारी बात किसकी कर रहे हैं, सेल वॉल को मारने की। अभी क्या पढ़ा था हमने, पेनिसिलिन वो क्या करती थी, सेल वॉल को मारती थी। अब क्या पढ़ रहे हैं, सेफेलोस्पोरिन वो क्या करेगी, सेल वॉल को मारेगी। अब सेफेलोस्पोरिन के अंदर भी जो है
अलग अलग क्लास होती है, जितना आपको जानना नहीं है, मतलब एक ग्रुप क्लास वन होती है, क्लास टू होती है, क्लास थ्री होती है, क्लास फोर होती है, नाम मैं बाद में बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम की है वो इतनी सी है कि क्लास वन से और क्लास फोर की तरफ तब आप चलते हैं, यहाँ पर जो दवा होंगी वो ग्राम पॉजिटिव को ही मारती है। अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, पेनिसिलिन। तो क्लास वन भी जो है पेनिसिलिन की तरह होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को मारती है, लेकिन जैसे आप क्लास थ्री पर आ जाते हैं, क्लास फोर पर आ जाते हैं, वो ग्राम नेगेटिव को मारने लगती है। तो ग्राम नेगेटिव के लिए आप क्लास थ्री और क्लास फोर देना शुरू कर देते हैं। ये क्लास वन क्लास टू पेनिसिलिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ईकोलाई हो गया, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्लास थ्री क्लास फोर का क्या सिग्निफिकेंस है। नाम मैं बता देता हूँ, जैसे क्लास थ्री के अंदर जो आती है आपने सुना होगा सेफ्ट्रायोक्सोन, लिख देता हूँ यहाँ पर सेफ्ट्रायोक्सोन, सेफापेराज़ोन, सेफ्टाज़िडीन, और क्लास टू के अंदर आती है आपकी सेफेक्सिम। तो अलग अलग क्लास में आती है, इसके अंदर सेफिरोम आती है, सेफिरोल आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होती है क्लास थ्री होती है अपनी, क्योंकि क्लास थ्री जो होती है वो ग्राम नेगेटिव के लिए यूज होती है। आप ग्राम पॉजिटिव के लिए पेनिसिलिन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्राम नेगेटिव के लिए क्लास थ्री ही यूज करनी है। और जो दूसरा सिग्निफिकेंस है क्लास थ्री का वो ये है कि कुछ बैक्टीरिया आपके ग्राम पॉजिटिव होंगे, कुछ ग्राम नेगेटिव, ये तो मैंने आपको बात समझा दी। ऐसा होगा कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होंगे जो एरोबिक होंगे और एनोरोबिक होंगे। एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, एरोबिक। जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनको बोला जाएगा एनोरोबिक। ऐसे ही आपका ग्राम नेगेटिव के अंदर होंगे कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होंगे, कुछ बैक्टीरिया एनोरोबिक होंगे। मैं बना देता हूं यहां पर, याद हो जाएगा, बैक्टीरिया दो टाइप के होंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी एरोबिक होंगे और एनोरोबिक होंगे, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी एरोबिक होंगे और एनोरोबिक होंगे। अब ये बात मैंने पढ़ा दी और आपने सुन ली, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज क्या करेंगे, आपका काम तो प्रैक्टिस का है ना। काम ये है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अलग अलग जगह पे हो सकता है। अगर पेरिटोनियम के अंदर हुआ, पेरिटोनियम पता होगा, पेरिटोनियम के अंदर नहीं होती ऑक्सीजन, पेरिटोनियम के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अगर किसी के अंदर प्लूरल फ्लूड भर गया, प्लूरल फ्लूड भर गया प्लूरा के अंदर, वहां पे क्या नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती है। प्लूरा किसके बाहर होती है, प्लूरा लंग्स के बाहर होती है, लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन होती है लेकिन प्लूरा के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो एनारोबिक होंगे। तो जब भी कोई प्लूरल इन्फेक्शन होगा तो आप एनारोबिक के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए दवा देंगे। जब भी एरोबिक साइड पे इन्फेक्शन होगा आप एरोबिक के लिए दवा देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है एरोबिक और एनारोबिक। ये आपको पता चलेगा कि कौन सी साइड पे इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो साइड जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर इतनी ऑक्सीजन रहती है तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मिलेगा एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है ज्यादा चांस होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया के, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है क्योंकि मसल होती है उसमें कोई चोट वोट लग जाती है और वो बहुत ज्यादा घाव बड़ा बन जाता है, मतलब कोई लोहा वोहा घुसा और वहां पर सेप्सिस बन जाती है। सेप्सिस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली एनारोबिक देखे जाते हैं। सेप्सिस के अंदर एनारोबिक इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि जब सेप्सिस हो रहा होता है तो जितनी भी ब्लड वेसल होती है उस जगह की, जितनी भी सप्लाई होती है वो खराब होने लगती है, वहां पे प्रॉपर ब्लड नहीं आता है। उस बैक्टीरिया के चारों तरफ पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जब बैक्टीरिया के चारों तरफ पस आने लगेगा, सड़ने लगेगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको दवा एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए देनी है, ठीक है। ये आपको जो है प्रैक्टिस में पता चलता है, प्रैक्टिस के साथ साथ कि इस चीज के लिए क्या दवा देनी है। मैं आपको बस कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो एनारोबिक का सिग्निफिकेंस क्या है, एरोबिक का क्या है, क्लास थ्री का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए तब आप दवा देते हैं कि आप ये दवा क्यों दे रहे हैं। कोई और दवा भी दे सकते थे लेकिन आपको यही क्यों लगा कि यही दवा देनी है। अब अगली क्लास करते हैं वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन छोटा सा टॉपिक है, वैंकोमाइसिन भी जो है वो क्या है, सेल वॉल को इनहिबिट करती है। वैंकोमाइसिन स्पेशली एक केस के अंदर दी जाती है जब आपका बैक्टीरिया एमआरएसए होता है। एमआरएसए क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। एमआरएसए, पहले एमआरएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है एमआरएसए। इसका ट्रीटमेंट कोई और दवा कर ही नहीं सकती वैंकोमाइसिन के अलावा। और दवा है लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, लेकिन जो
मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर सबसे कॉमनली दवा यही आप दे सकते हैं, और कोई दवा नहीं है जो एमआरएसए को ट्रीट कर दे। एमआरएसए का मतलब होता है मेथिसिलिन। मेथिसिलिन क्या है? अब मैंने आपको क्या पढ़ा है, पेनिसिलिन, उससे इसका नाम मिल रहा है मेथिसिलिन और पेनिसिलिन। तो मेथिसिलिन भी एक तरह की पेनिसिलिन है। मेथिसिलिन में नाम लिखना भूल गया था, आर मतलब होता है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट मतलब मेथिसिलिन उसको नहीं मार पाएगी। और ये ऐसे मतलब होता है स्टेफ ऑरियस, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, इसको छोड़ दो। स्टेफ ऑरियस मेरा मतलब समझाने का ये है, क्या हो गया, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया को मेथिसिलिन, जो कि बहुत स्ट्रांग पेनिसिलिन होती है, वो नहीं मार पाती, उनको वैंकोमाइसिन मारती है। कोई और दवा नहीं मार पाएगी वैंकोमाइसिन के अलावा। तो एमआरएसए जो बैक्टीरिया होता है, जब भी आपने कोई भी केस होगा जिसमें आपको लग रहा है कि इसके अंदर एमआरएसए हो सकता है, कोई और दवा उसको ट्रीट नहीं कर रही है, इन्फेक्शन रुक ही नहीं रहा है, तब वैंकोमाइसिन दी जाती है, क्योंकि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट है, मतलब पेनिसिलिन भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी कवर कर ली सेल वॉल इनहिबिटर्स की दवा। अब आप देखेंगे कि मैंने आप क्लेविलैनिक एसिड नहीं पढ़ाया। आप कभी कोई दवा देखेंगे, कभी देखेंगे कि आप पेनिसिलिन के साथ क्लेविलैनिक एसिड होता है, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेविलैनिक एसिड लिखा रहता है सॉल्ट में। तो क्लेविलैनिक एसिड क्या है? कई बार आप देखेंगे पाइपेरिसिलिन के साथ टेजोबैक्टम लिखा होगा शीशे के ऊपर, तो ये क्या है? ये एंटी माइक्रोबियल नहीं है। आपको लगेगा कि एंटी माइक्रोबियल है, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं। दो चीज है क्लेविलैनिक एसिड, ये लास्ट टॉपिक होगा, और टेजोबैक्टम। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों डाला जाता है दवा के अंदर, दोनों चीज में बताऊंगा आपको। होने क्या लगा था, जब आप बैक्टीरिया को पेनिसिलिन दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? क्योंकि आपको बैक्टीरिया को मारना था। बैक्टीरिया भी हमारी तरह इंसानों की तरह, जब आप किसी इंसान के लिए कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो इंसान अपना कुछ सिस्टम डेवलप करता है, वो बंदूकें खरीद लेता है कि अब इस आदमी से लड़ना है। ऐसी बैक्टीरिया ने करा, बैक्टीरिया ने कुछ केमिकल बनाने शुरू कर दिए कि सब पेनिसिलिन को मारना है। तो देखा गया 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या हुआ, पेनिसिलिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया केमिकल बनाने लगा, बैक्टीरिया केमिकल बनाने लगा। डॉक्टर्स देते थे एनिमल को जवा बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया उसको वापस मार के भेज देता था पेनिसिलिन को। तो पेनिसिलिन क्या होने लगी थी, तबाह। पेनिसिलिन ने क्या कर दिया था, काम करना बंद। इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस, बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहे थे आप पेनिसिलिन से। तो डॉक्टर ने कहा, यार तब बैक्टीरिया केमिकल बना सकता है पेनिसिलिन के अगेंस्ट, तो हम भी बैक्टीरिया को बेवकूफ बना सकते हैं। अब बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया डॉक्टर ने, पेनिसिलिन के मिलता जुलता एक केमिकल बनाया, जिसको बोला था क्लेविलैनिक एसिड या फिर टेजोबैक्टम। आप केमिकली देखेंगे तो दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब बैक्टीरिया बेवकूफ कैसे बनता है, डॉक्टर्स इन दोनों को साथ देते हैं, हमेशा जो बॉटल होगी उस पर लिखा रहेगा एमोक्सिसिलिन क्लेविलैनिक एसिड क्लेविलैनेट, तो ये दोनों चीजें साथ देगा। क्या हो गया, छोड़े रहने दीजिए। तो हमेशा जो है डॉक्टर इनको साथ देगा, क्लेविलैनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन को साथ क्यों दिया जाएगा, डॉक्टर को पता है मैं दवा दूंगा एमोक्सिसिलिन, अब बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट जो है दवा केमिकल बना लेगा, एमोक्सिसिलिन को तोड़ देगा, दवा का कोई यूज नहीं रहेगा। अब डॉक्टर ने बोला कि क्लेविलैनिक एसिड डाल दूंगा, तो बैक्टीरिया को क्या लगेगा कि यही पेनिसिलिन है, बैक्टीरिया अपना सारा जोर इधर लगाता चला जाएगा, इसको मारने के लिए लगा रहेगा, और पेनिसिलिन फिर बैक्टीरिया को मार देगा। ये होता है क्लेविलैनिक एसिड क्यों दिया जाता है दवा के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेम चीज होती है टेजोबैक्टम, टेजोबैक्टम भी इसी की तरह होता है, बस फर्क क्या होता है, क्लेविलैनिक एसिड को दिया जाता है एमोक्सिसिलिन के साथ, टेजोबैक्टम को दिया जाता है पाइपेरिसिलिन के साथ। ये दवा है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई इसका तरीका नहीं है। तो यही है कि साइंटिस्ट ने कैसे इस बैक्टीरिया को मारा, एक पेनिसिलिन को बचाने के लिए दूसरी पेनिसिलिन जैसा एक स्ट्रक्चर डाल दिया, जिससे बैक्टीरिया बेवकूफ बन गया। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस, क्लेविलैनिक एसिड डालने का एंटी माइक्रोबियल के अंदर। और बस इतना ही था आज, इतना ही रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, कोई सवाल पूछना है, कुछ पूछना हो पूछ ले, पूछ रहे तो चले ना, सवाल पूछो, सवाल पूछना बताओ, तुम पूछो तो पूछो, कंफ्यूजन किसी का कोई पूछो, मजा आया रे। मेरिपेनम कौन सा जनरेशन है? मेरिपेनम, मीरोपेनम जो है वो ये आपका सेल वॉल को इनहिबिट करता है। मीरोपेनम मैंने पढ़ाई नहीं है, मीरोपेनम इमीपेनम ये जो है सेल वॉल का ही है, नहीं सेफेलोस्पोरिन का नहीं है, ये अलग क्लास है इनकी। मीरोपेनम इमीपेनम जो है अलग क्लास है इनकी, ये होते हैं आपके सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, लेकिन इमीपेनम को